नमस्कार दोस्तों, जीके अर्जुन सर यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है। मिशन एनवीएस टीजीटी एंड पीजीटी एग्जाम इतिहास भाग 40 में, जिसकी परीक्षा सितंबर के फर्स्ट वीक में होने जा रही है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें, उत्तर भारत के सूफी संत नहीं थे। इसका आंसर हो जाएगा ए, शेख गेसु दराज। ये उत्तर भारत के सूफी संत नहीं थे, शेख गेसु दराज। क्वेश्चन नंबर 2, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा ए, 1526 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 3, ताजमहल के निर्माण से जुड़ा था। इसका आंसर हो जाएगा सी, शाहजहां। नाम थोड़ा सा इसका कट गया, ये शाहजहां इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, कौन मुगल इतिहासकार थी, कौन मुगल इतिहासकार थी। इसका आंसर हो जाएगा सी, गुलबदन बेगम, जिसने हुमायूं नामा लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 5, अकबर से संबंध बनाने वाला प्रथम शासक था। इसका आंसर हो जाएगा डी, कछवाहा। क्वेश्चन नंबर 6, मनसबदारी प्रथा प्रभावित थी। इसका आंसर हो जाएगा ए, मंगोलिया से। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में तंबाकू सर्वप्रथम किसके शासनकाल में आया था। इसका आंसर हो जाएगा ए, अकबर के शासनकाल में। सबसे पहले अकबर के शासनकाल में आया था तंबाकू। क्वेश्चन नंबर 8, अकबर का दरबारी इतिहासकार था। इसका आंसर हो जाएगा ए, अबुल फजल। क्वेश्चन नंबर 9, हज के लिए अनुदान देना सर्वप्रथम शुरू किया था। इसका आंसर हो जाएगा सी, अकबर ने। सबसे पहले जो अनुदान देना का कार्य किया था अकबर ने। क्वेश्चन नंबर 10, दादाजी कोणदेव शिवाजी के थे, क्या थे। इसका आंसर हो जाएगा बी, अभिभावक, अभिभावक थे। क्वेश्चन नंबर 11, शिवाजी का जन्म हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा 1627 ईस्वी शिवनेर में। क्वेश्चन नंबर 12, मराठों का नौसैनिक अड्डा था, यानी मराठों का नौसैनिक अड्डा कहाँ पर था। इसका आंसर हो जाएगा बी, कोलबा में, कहाँ पर था, कोलबा। क्वेश्चन नंबर 13, पुरंदर की संधि शिवाजी के साथ हुई थी, यानी पुरंदर की संधि किसके साथ हुई थी। इसका आंसर हो जाएगा बी, 1665 जय सिंह के साथ। क्वेश्चन नंबर 14, मराठा साम्राज्य का ग्राम का निम्न अधिकारी था। इसका आंसर हो जाएगा डी, कुलकर्णी, यानी मराठा साम्राज्य के ग्राम के अधिकारी को कहा जाता था कुलकर्णी। क्वेश्चन नंबर 15, प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान की गई थी। इसका आंसर हो जाएगा 1935 एक्ट या अधिनियम द्वारा। क्वेश्चन नंबर 16, प्रेसिडेंसी व्यवस्था समाप्त की गई थी। इसका आंसर हो जाएगा बी, 1784 एक्ट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 17, अंग्रेजी शिक्षा लागू हुई थी। इसका आंसर हो जाएगा बी, 1835 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 18, डलहौजी के समय टेलीग्राफ व्यवस्था लागू हुई थी, कहां पर लागू हुई थी टेलीग्राफ व्यवस्था। इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी आगरा, कलकत्ता से आगरा के बीच। क्वेश्चन नंबर 19, वह कौन सा यूरोपीय कंपनी थी जो चीन तक सीमित रही। इसका आंसर हो जाएगा सी, स्पेन। क्वेश्चन नंबर 20,
सहायक व्यवस्था से जुड़ने वाला प्रथम राज्य था? तो ये राज्य था हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 21, बंगाल का अंतिम नवाब था, यानी बंगाल का अंतिम नवाब कौन था? इसका आंसर हो जाएगा सी, निजामुद्दौला। क्वेश्चन नंबर 22, सिविल सर्विस व्यवस्था का जन्मदाता कौन था जो 1861 के एक्ट के बाद अंग्रेजी राज्य का आधार स्तंभ बनी? इसका आंसर हो जाएगा बी, कार्नवालिस, यानी लॉर्ड कार्नवालिस था। क्वेश्चन नंबर 23, डेनिश कंपनी की स्थापना हुई थी, डेनिश कंपनी की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा सी, 1616 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 24, जमोरिन कौन था? इसका आंसर हो जाएगा ए, कालीकट का शासक। क्वेश्चन नंबर 25, पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा सी, 1761 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 26, रैयतवाड़ी बंदोबस्त शुरू किया था, रैयतवाड़ी बंदोबस्त शुरू किया था, इसका आंसर हो जाएगा ए, मुनरो ने। क्वेश्चन नंबर 27, इनमें से कौन सही है? इसका आंसर हो जाएगा ए, पूना में मुक्ति सदन पंडित रमाबाई, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 28, आर्य समाज की स्थापना हुई थी, आर्य समाज की स्थापना हुई थी, इसका आंसर हो जाएगा बी, 1875 ईस्वी बंबई में। क्वेश्चन नंबर 29, ब्रह्म समाज के संस्थापक थे? इसका आंसर हो जाएगा ए, राजा राम मोहन राय। क्वेश्चन नंबर 30, कौन 1857 ईस्वी में ब्रिटिश कत्लेआम का गवाह था? इसका आंसर हो जाएगा सी, मिर्जा गालिब। क्वेश्चन नंबर 32, किसे नाना साहब कहा जाता था? इसका आंसर हो जाएगा बी, धुंधु पंत, नाना साहब का एक नाम था धुंधु पंत। क्वेश्चन नंबर 33, कूका आंदोलनकारी सिर्फ एक को अपना धार्मिक गुरु मानते थे? इसका आंसर हो जाएगा सी, गुरु गोविंद सिंह। क्वेश्चन नंबर 34, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस किसने लिखी? इसका आंसर हो जाएगा ए, बीडी सावरकर ने। क्वेश्चन नंबर 35, खासी विद्रोह के नेता थे? इसका आंसर हो जाएगा सी, तीरथ सिंह। क्वेश्चन नंबर 36, रणजीत सिंह की राजधानी थी? इसका आंसर हो जाएगा बी, लाहौर में। क्वेश्चन नंबर 37, 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों का साथ नहीं दिया था? इसका आंसर हो जाएगा वी, सर खान बहादुर खान ने। क्वेश्चन नंबर 38, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था तो 1942 में। क्वेश्चन नंबर 39, प्रथम आधुनिक लेबर एसोसिएशन था? इसका आंसर हो जाएगा ए, मद्रास लेबर एसोसिएशन। क्वेश्चन नंबर 40, महारों के आरंभिक नेता कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा बी, बी.आर. अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 41, किसने कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में भाग नहीं लिया था? इसका आंसर हो जाएगा बी, S.N. बनर्जी ने। क्वेश्चन नंबर 42, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की? इसका आंसर हो जाएगा बी, महादेव गोविंद रनाडे ने, यानी M.G. रनाडे शॉर्टकट नाम इनका।
क्वेश्चन नंबर 43, स्वतंत्रता आंदोलन की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने के लिए प्रेस पर प्रतिबंध लगाया, इसका आंसर हो जाएगा डी 1908 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 44, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था, इसका आंसर हो जाएगा सी 11 अप्रैल 1936 को। क्वेश्चन नंबर 45, अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक थे, इसका आंसर हो जाएगा बी सैयद अहमद खां। क्वेश्चन नंबर 46, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसकी घोषणा बाल गंगाधर तिलक ने कब की थी, ये किए थे 1916 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 47, प्रथम महिला जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षा बनी, इसका आंसर हो जाएगा ए एनी बेसेंट। क्वेश्चन नंबर 48, अरिकड्डू बडू पत्रिका का प्रकाशन किया था, इसका आंसर हो जाएगा बी पी त्यागराज चेट्टी ने। क्वेश्चन नंबर 49, झारखंड राज्य संबंधित विधेयक लोकसभा में पारित हुआ था 2 अगस्त 2000 को। क्वेश्चन नंबर 50 और अंतिम क्वेश्चन है, कौन जनजाति झारखंड राज्य से संबंधित थी, ये थी कोल। तो ये थे क्वेश्चन आज के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के आदि से शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।